हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनी बाई के कुछ न्यू अपडेट के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट आया है पेनी बाई की तरफ से। और दोस्तों, ये अपडेट आपको पहले कभी देखने को नहीं मिला है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्या है वो अपडेट। और दोस्तों, पेनी बाई में एक सबसे अच्छा सिस्टम आया है, बिना वॉलेट के आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये अभी तक APS किसी भी APS में नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम आया है। इसके बारे में मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा। और दूसरा अपडेट है एक दोस्तों कैशबैक को लेकर, जहां पे आपको कैशबैक मिलने वाला है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कैशबैक मिलेगा। और साथ में दोस्तों, पेनी बाई एक और अपडेट लेकर आया है, जहाँ पर है डिवाइस रिपेयर प्लान। तो यहाँ पर आपके फ़ोन का जो कि है, आपके फ़ोन से संबंधित जो कि है, आपको इंश्योरेंस मिलने वाला है, तो इसी के बारे में है। और साथ में दोस्तों, बाइक इंश्योरेंस 76 लाख का, तो दोस्तों ये क्या मामला है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने प्रीमियर बाई रिटेलर ऐप में और शुरू करते हैं अपडेट को। तो दोस्तों, सबसे पहला अपडेट जो है वो है कैशबैक को लेकर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैशबैक आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ऊपर लिखा है कैशबैक धमाका ऑफर ऑन ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वर्चुअल कार्ड के बारे में, तो ये दोस्तों जो ये कैशबैक धमाका ऑफर है वो वर्चुअल कार्ड के लिए ही है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने पर इसमें आपको कैशबैक मिलेगा। तो इसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि इसमें आपको क्या कैशबैक मिलेगा, कितना कैशबैक दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है पेनी बाई आपके लिए लाया है ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड पर कैशबैक कमाने का मौका। अब सभी रिटेलर 300 रुपये से ज़्यादा के पोस्टपेड उपयोगिता बिल पर 0.25% और ई कॉमर्स शॉपिंग पर 0.50% कैशबैक कमा सकते हैं। तो दोस्तों, और नीचे एक और है कि माइक्रो ATM रिटेलर 600 रुपये से ज़्यादा के पोस्टपेड उपयोगिता बिल पर अतिरिक्त 0.25% और ई कॉमर्स शॉपिंग पर अतिरिक्त 0.25 कैशबैक कमा सकते हैं। ज़्यादा फायदा पाने के लिए रिटेलर को एक महीने में 20 से ज़्यादा माइक्रो ATM यानी DST माइक्रो ATM मिलाकर ट्रांजेक्शन करने होंगे। ये ऑफर उन रिटेलर के लिए भी लागू है जो इस महीने माइक्रो ATM ऑर्डर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे माइक्रो ATM को लेकर भी ऑफर है, यहाँ पे सबसे ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ कि सभी रिटेलर के लिए जो कि है, अगर आप 300 रुपये तक का ट्रांजेक्शन करते हैं कम से कम, तो यहाँ पे आपको जो कि है टेलीकॉम उपयोगिता बिल पर आपको इतना मिलेगा। और साथ में अगर ई कॉमर्स से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 0.50% का जो कि है कैशबैक मिल जाएगा। और अगर आपके पास माइक्रो ATM है, अगर आप माइक्रो ATM यूज करते हैं, तो दोस्तों अगर आप एक महीने में 20 से ज़्यादा बार माइक्रो ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको जो कि है ट्रांजेक्शन की रकम 600 से ज़्यादा होना चाहिए। और साथ में दोस्तों, आपको यहाँ पे जो कि है दोनों पे 0. जितना है यहाँ पे उपयोगिता बिल में मिलता है, जितना रिटेलर में मिलता है, उससे ज़्यादा आपको जो कि है इसमें कैशबैक मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों वर्चुअल कार्ड के बारे में। और जो दूसरा अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, बिना वॉलेट के आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कमीशन भी मिल जाएगा, जो कि आपको मनी ट्रांसफ़र से काफ़ी अच्छा कमीशन है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिना वॉलेट बैलेंस के मनी ट्रांसफ़र बिजनेस चलाएं, आज ही डिजी स्मार्ट ट्रांसफ़र यानी DST में अपग्रेड करें। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप
वॉलेट में अगर 0 रुपया है तभी आप मनी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों इस मनी ट्रांसफ़र में आपको कमीशन भी जो कि है ज़्यादा मिलेगा, जैसे आप पहले मनी ट्रांसफ़र करते थे उससे ज़्यादा कमीशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कमीशन का जो कि है लिस्ट भी दिया गया है कि आपको कितना जो कि है कमीशन मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 100 रुपये से 999 रुपये में आपको 4.75 रुपये से आपको 5.5 रुपये तक मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण भी दिया गया है कि पहले आप मनी ट्रांसफ़र करते थे 3,000 पर, तो वहाँ पे आपको 14 रुपये और 40 पैसा मिलता था, लेकिन आप अगर DST से करते हैं तो यहाँ पे आपको सीधा 22 रुपया 60 पैसा मिलता है। तो दोस्तों इतना फ़र्क हो जाता है DST से मनी ट्रांसफ़र करने पे। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको ज़्यादा कमीशन का उपयोग करना है और आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो DST के माध्यम से आप मनी ट्रांसफ़र करें, यहाँ पे आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम एक और अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे है दोस्तों आपको डिवाइस रिपेयर प्लान। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिवाइस रिपेयर प्लान PennyBhai की तरफ से लाया गया है। यहाँ पे लिखा है कि 18% कमीशन कमाएं और डिवाइस रिपेयर प्लान दिलाकर ग्राहकों के मोबाइल और टैबलेट को यांत्रिक या स्क्रीन से नुकसान से बचाएं। तो दोस्तों यहाँ पे उनके स्क्रीन गार्ड के लिए आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं और डबल गार्ड यहाँ पे भी है, एक ऑफ़र है, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या ऑफ़र है। उसके माध्यम से आप जो कि है मोबाइल का या टैबलेट का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 प्लान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है 375 रुपये से और एक है 495 रुपये और एक है 575 रुपये। यहाँ पे 3 प्लान है और इसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। ये दोस्तों एक स्क्रीन गार्ड का प्लान है, जहाँ पे आपके अगर आपका स्क्रीन खराब हो जाता है तो उसको रिपेयर किया जाएगा और साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे इंश्योरेंस है, अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप PennyBhai के कस्टमर केयर से संपर्क करके अधिक जानकारी इसकी ले सकते हैं। और दोस्तों एक और अपडेट है जो कि सबसे अच्छा अपडेट है और आपको ध्यान भी रखना है कि दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट निकल कर आता है कि जहाँ पे एक कस्टमर को जो कि है, यहाँ पे मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा देता हूँ, वहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत महंगा पड़ा बाइक का बीमा ना कराना, भुगतने पड़ेंगे 6 लाख। तो दोस्तों यहाँ पे एक न्यूज़पेपर में यहाँ पे दिखाया गया है कि एक जो कि कस्टमर है उसको 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे, उसने बाइक का इंश्योरेंस नहीं करवाया था, इसी के बारे में यहाँ पे उसको बताया गया है। तो दोस्तों मैं आपको ये न्यूज़ फटाफट पढ़ के बता देता हूँ कि क्या है ये न्यूज़ और क्या है असली मामला। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो न्यूज़ है वो बरेली का है और यहाँ पे लिखा है, मोटरसाइकिल का बीमा ना कराना उसके मालिक को काफ़ी महंगा पड़ा है। मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत के बाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने उसे बतौर क्लेम के 76 लाख रुपए की रकम अदा करने को कहा। केस के ब्यौरे में के मुताबिक 4 नवंबर 2011 को मोटरसाइकिल की टक्कर में रामचंद गंगवार नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी जनवरी 2015 में मौत हो गई। मोटरसाइकिल का बीमा ना होने के कारण अब मोटरसाइकिल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने उसके मालिक को बतौर क्लेम के 76 लाख रुपए का भुगतान मृतक के परिवार को करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों ये जो कि है काफ़ी गंभीर मामला है, तो आप अपना जो कि है बाइक का इंश्योरेंस जरूर करवाएं। तो इसी के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो अगर आपने अभी तक POS एजेंट को अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से उसको अप्लाई कर दें, क्योंकि बाइक का इंश्योरेंस आप POS एजेंट के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था अपडेट और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।